हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलिए आज फिर मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नए रेसिपी लेकर। वो है प्योर देसी स्टाइल में भफल मटन करी। देखिए फ्रेंड्स, ये है 1 किलो का मटन। ये पूरा पूरी देसी वाला मटन है, स्किन का साथ में। देखिए इस तरह से दिखाई देता है मटन। ये पूरा पूरी देसी वाला मटन है। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं। पहले मटन में प्याज डालेंगे। ये 4 प्याज है, इसको मैं छोटा छोटा टुकड़ा में काट ली हूँ। प्याज, ये मटन में अभी प्याज डाला गया है। ये मेरे पतिदेव डाल रहे हैं। उसके बाद मसाला में डालेंगे, ये है तेजपत्ता, सूखा मिर्च 2-3 है, और उसके साथ में दरदरा कूटा हुआ दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च डालिए सबको। थोड़ा जल्दी कीजिए। उसके बाद ये है हरी मिर्च, 4 है, 4-5 मैं हरी मिर्च डाली हूँ, और अदरक लहसुन का, इसको अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको दरदरा कूट ली हूँ। आप अपना हिसाब से, अपना पसंद का हिसाब से इसमें मिर्च डाल सकते हैं। ये देखिए, ये है मसाला। मसाला में धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, मीट मसाला है, गरम मसाला है, मिर्च पाउडर है, और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर है। मेरा पास में थोड़ा सा था, इसलिए मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। नमक कैसे डालेगा, स्वाद अनुसार नमक। ये आखिर में है सरसों का तेल। डालिए डालिए। और मैं अपना पसंद का हिसाब से, मुझे मटन में आलू चाहिए, इसलिए मैं 3 आलू राउंड शेप में काटकर डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी फिलहाल सब चीज़ को ठीक तरह से मिला रहे हैं, मिक्स किया जा रहा है। इसको ठीक तरह से मिलाना है पहले। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पतिदेव किस तरह से मिला रहे हैं, इसी तरह से आप लोग को भी मिलाना है। फाइनली मिलाने का काम ख़त्म हो चुका है। मेरे पतिदेव ठीक तरह से मिला लिए हैं सब चीज़ सबको। देखिए दिखने में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत कलरफुल मालूम पड़ रहा है। आप लोग भी इसी तरह से सब चीज़ सबको ठीक तरह से मिला लीजिए। अब मैं कढ़ाई को चूल्हे पर बैठाऊंगी, गैस चूल्हे पर। ये देखिए, मैं चूल्हे पर बैठा ली हूँ कढ़ाई को। गांव घर में इसी तरह से मटन बनाया जाता है, इसलिए मैं प्योर देसी स्टाइल में मटन बनाने का लिए कोशिश कर रही हूँ। ये भफल वाला मटन करी को लकड़ी का चूल्हा में बनाने से और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं इसको गैस चूल्हा पर ही बना रही हूँ। अभी मैं इसमें ढक्कन लगा दूँगी। मेरा गैस का फ्लेम मीडियम है। देखिए मैं ढक्कन लगा चुकी हूँ, मटन उबलना शुरू हो चुका है। मटन उबल रहा है, मैं गैस का फ्लेम को धीमा कर देती हूँ। मैं गैस का फ्लेम को धीमा कर दी हूँ ताकि दही फट ना जाए।
धीमा आंच में 10 मिनट पका लेती हूँ पहले। फिलहाल ढक्कन हटाने का समय आ गया है, ढक्कन हटाया जा रहा है। ढक्कन हटाने का बाद में ठीक तरह से पहले चला लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मटन से भी पानी छूट चुका है और दही भी अपना पानी छोड़ चुका है। देखिए बहुत ही सुंदर इसका लुक है। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है और खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी बन रहा है। गैस का फ्लेम को बढ़ा देते हैं, मीडियम कर देते हैं। मैं नज़दीक से आप लोग को दिखा रही हूँ, ये देखिए। आप लोग को मेरा तरीका, ये बनाने का स्टाइल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट भी दे सकते हैं, पसंद आए तो भी कमेंट दे सकते हैं और पसंद ना आए तो भी कमेंट दे सकते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए एक बार इसी तरह से बनाने का लिए। फिलहाल तो सावन का महीना ख़त्म हो चुका है, इसीलिए हम लोग पहली बार मटन बना रहे हैं। फिर से ढक्कन लगा दिए हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देसी वाला मटन है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है पकने में। फिर से ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। आप लोग भी बनाते समय बीच बीच में ढक्कन हटाकर देख लिया कीजिए। गैस का फ्लेम को धीमा कर देते हैं। पहले इसी तरह से भून लेते हैं, ठीक तरह से भून लेते हैं पहले चला चला के। मटन हल्का फफाने का साथ में भुना भी गया है हल्का हल्का। इसमें अभी मैं अपना हिसाब से गर्म पानी डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं गर्म पानी डाल चुकी हूँ। ज़्यादातर मैं गर्म पानी ही डालने में यूज करती हूँ, आप भी पानी गर्म करके ही डालिए। आप अपना हिसाब से पानी डालिए, आपको जितना ग्रेवी रखना है वो हिसाब से पानी डालिए। कम पानी डालने से ग्रेवी गाढ़ा होगा और ज़्यादा पानी डालने से ग्रेवी थोड़ा पतला होगा। फिर से पकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर से ढक्कन हटाकर देख लेते हैं मटन का हाल क्या है, जान लेते हैं। ये देखिए किस तरह से मटन का लुक दिखाई दे रहा है, बहुत ही टेस्टी लुक दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। अभी इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे, थोड़ा सा शुगर डालिए टेस्ट के लिए, थोड़ा सा शुगर डाल रही हूँ। आपको यदि शुगर पसंद नहीं है तो आप इसको नहीं डाल सकते हैं, डालना नहीं है। मुझे थोड़ा शुगर पसंद है इसीलिए हल्का शुगर डाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मटन भफल मटन करी आप लोग को दिखने में किस तरह से दिखाई देता है,
जरूर कमेंट कीजिए। आलू करीब करीब बन चुका है, हो चुका है, पक चुका है। मटन अभी हो चुका है, इसमें अभी मैं कस्तूरी मेथी डालूंगी। डालिए, डला के डाल के ठीक तरह से मिला लीजिए। इसी तरह का ग्रेवी मुझे चाहिए, इसीलिए फ्रेंड्स मैं ऐसा ग्रेवी बनाई हूँ। आप भी मेरा मटन टेस्ट करके बताइए, मेरा मटन किस तरह से बना है, कैसा बना है, टेस्ट लगता है कि नहीं, ज़रूर कमेंट कीजिए। अभी गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। टाटा, बाय बाय।